दोस्तों नमस्कार। आज हम साइंस जनरल साइंस के जो पीटी एक दिवसीय जो भी एग्जामिनेशन है उसके तैयारी के लिए जो स्ट्रैटजी इससे पहले पार्ट वन वीडियो में हम लोग आपस में बात कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के बारे में चर्चा की गई थी। उसमें आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी के बारे में चर्चा की है और उसके बारे में जाने कि क्या क्या मुख्यतः पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। आज हम फिर इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं कि इसमें हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, कि जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री से किस प्रकार का क्वेश्चन, किस एरिया से क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है। इसके लिए दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का समझ बनाने के लिए आप लोग जो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है उसको थॉरली आप लोग पढ़ें। और हमें लगता है कि क्लास 10 का जो आप थॉरली समझ बना लेते हैं या जानकारी आप डेवलप कर लेते हैं अपने आप में, तो फिर हमें नहीं लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशंस हो, केंद्रीय स्तर का हो या राज्य स्तर का हो। तो एक बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की, टेंथ की। दूसरा, अगर आप ल्यूसेंट का साइंस सेक्शन देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको एनसीईआरटी के बुक को ही देना है। अब आते हैं आगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन सा पोर्शन है जहां से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पर मेनली हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री का ये कुछ सिलेबस है जो कि 10th क्लास में CBSE द्वारा मेंशन किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप 10th क्लास का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपका केमिकल रिएक्शंस आते हैं। केमिकल रिएक्शंस में आप किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब चीज़ की समझ बनानी पड़ती है और इससे कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा, आप टॉप यूनिट देखेंगे तो एसिड बेस एंड साल्ट से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और इसमें हमको जानकारी कंसेप्ट क्लियर करना है। एसिड का डिफिनीशन क्या होता है, सिंपल बातें हैं, उस चीज़ को मुख्य रूप से अपना समझ, अपना कंसेप्ट इस पर क्लियर करना होगा। जैसे एसिड का आपका डिफिनीशन है, बेस का डिफिनीशन है या साल्ट का डिफिनीशन है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद पीएच स्केल क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है, डिफरेंट कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे जनरली विगत आप बीपीएससी का क्वेश्चंस देखें तो उसमें पीएच वाटर के पूछ लिए जाते हैं, न्यूट्रल पीएच का मान क्या हो सकता है, एसिडिक पीएच का मान क्या हो सकता है, बेसिक पीएच का मान क्या हो सकता है, तो ये सब आप पीएच के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब समझ बनेगी। उसके बाद कुछ जो डेली यूजेज में, ऐसा नहीं है कि बहुत गहरा क्वेश्चंस जो जनरल साइंस का है वो पूछा जाता है, हम लोग के जो डेली जीवन में यूटिलाइजेशन होती है, जो एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का, उससे संदर्भित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें जैसे यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में देखने की ज़रूरत है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, वो चीज़ हमें समझ बनाने की ज़रूरत है। बेकिंग सोडा का यूजेज कहाँ है, इसका क्या कंपोजिशंस होते हैं केमिकल फार्मूला में, वो चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग सोडा को उसी तरह से देखने की ज़रूरत है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या केमिकल्स फार्मूला हो सकता है, इसका यूज़ कैसे होते हैं, केमिकल्स फार्मूला का क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल्स फार्मूला है उसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, तो ये सब टाइप का कॉमन क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चंस है, वो सब चीज़ें पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जिस पर हम लोग को पकड़ बनाने की ज़रूरत है। अगला टॉपिक देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स
यहाँ से दिया हुआ है, इसके बारे में आप इसका जनरल मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं और नॉन मेटल्स का क्या जनरल प्रॉपर्टी होते हैं इसके बारे में कंसेप्ट बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो आयनिक करेक्टर होते हैं उसके बारे में, या उसका जो कंपाउंड है उसके बारे में समझ बनाने की ज़रूरत है, या फिर जो मेटल्स होते हैं उसमें कोरोजन यानी कि जंग जो लग जाती है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है और उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, इस चीज़ पर हमें समझ बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद बात हम करते हैं अगले टॉपिक की, तब आ जाती है कार्बन कंपाउंड की। कार्बन कंपाउंड में हम लोग सिंपल कार्बन का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उस बारे में हम लोग को जानना है, उस नॉमिनक्लेचर के बारे में जानना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नॉमिनक्लेचर पढ़ना रहता है, तो नॉमिनक्लेचर एंड इट्स रिलेटेड टू इट्स फंक्शनल ग्रुप उसके बारे में हम लोग को समझ बनाने की है। जैसे कीटोन है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, एसिड है, एस्टर है, कौन सीरियली नंबर पर सबसे पहले आएगा, तो वो चीज़ थोड़ा देख लेने की ज़रूरत है। उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड का क्या हो सकता है, जैसे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, या फिर कंबर्शन ऑफ कार्बन सब्सटेंसेस उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और डेली लाइफ में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे समाप्त करेंगे, तो वो सब चीज़ देखने की ज़रूरत है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक्स आता है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ साहब ने दिया था उसको देखने की ज़रूरत है। जो भी हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स है उसमें वैलेंसी क्या होता है, या इसका जो एटम होता है मेनली, या मानकर चले एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस चीज़ को हम लोग को कंसेप्ट बनाने की ज़रूरत है। जैसे वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हुआ, उसमें एटॉमिक उसका संरचना कैसे होती है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, ये सब जानना है। कैसे मास प्रोटॉन का दे दिया है संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या दे दिया है आपको, मास नंबर निकालनी है ये कहने को एग्ज़ाम में दे देता है, तो ये सब टाइप का चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि एटॉमिक जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ भी हमें जानना है, समझना है। उसके बाद मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ कॉमन रूप से, ये भी हमें अपनी समझ इस पर भी बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये सब कुछ टॉपिक है जिसको हमें जानना है केमिस्ट्री के लिए। ये चार एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही कुछ केमिकल्स फॉर्मूले होते हैं जिसका कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, वो भी चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। और वो सब भी पूछ क्वेश्चन उसके बारे में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं, वाइट विट्रोल किसे कहते हैं, ग्रीन विट्रोल किसे कहते हैं, सुहाग का क्या केमिकल फार्मूला होता है, ये सब जनरल क्वेश्चन है जो कि आपको कल एक जगह बुक्स में भी कलेक्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बात करें अगर दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी हम कहेंगे अगर आप मेनली 10th का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है 10th क्लास में, वो भी आपका NCERT में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए और वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले नेचुरल फेनोमेना 10th क्लास के सिलेबस में दिया गया है, इसके अंदर आप लाइट्स, जो फिजिक्स में लाइट्स टॉपिक्स है उससे संबंधित सारा टॉपिक्स को डील किया गया है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में है,
पावर ऑफ लेंस के बारे में है, आप उसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, आप उसमें लेंस के बारे में थॉरोली जानेंगे, जो कॉमन एप्लीकेशन की चीज़ है ह्यूमन आई साइटेडनेस, उसमें क्या बीमारियाँ ह्यूमन में आई के, जैसे कि शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, जैसे कि मायोपिया या हाइपर मायोपिया के नाम से जानते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसका करेक्शन कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं या कॉन्केव लेंस लगाते हैं या बाइफोकल लेंस लगाते हैं, कौन से बीमारी में, ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ आप नेचुरल फिनोमेना लाइट टॉपिक के अंतर्गत ये सब सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट्स में भी दोस्तों आपको कुछ कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको मेनली जानना है, उसका वोल्टेज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, इस चारों के बीच में क्या इंटर रिलेशंस है उसके बारे में जानना है, ओम्स लॉस के बारे में जानना है, उसका रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बारे में जानना है, पैरेलल या सीरीज में क्या कनेक्शन होता है उसके बारे में जानना है, एसी एंड डीसी, इट मींस अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट, इसके बारे में आपको जानना है, एसी एंड डीसी, डीसी में कौन सा बेस्ट है, आपको जनरेटर के बारे में जानना है, जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि करंट से रिलेटेड आपका टॉपिक है। सारा चीज़ सुपरफिशियल रूप से जानना है, बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, है ना। उसके थर्ड टॉपिक हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स, और करेंट्स का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उससे संबंधित जानकारी आपको इस टॉपिक के अंदर लेना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसका क्या डोमेस्टिक यूजेस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका 10th के सिलेबस में ये तीन टॉपिक दिया हुआ है, इससे इतर कुछ और चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हमें देखना है। जैसे जनरल फिजिक्स, आपको यूनिट एंड डायमेंशन ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से रहता ही है, किसी न किसी चीज़ का यूनिट एंड डायमेंशन पूछ ही लिया जाता है। दूसरा, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जानने की ज़रूरत है, स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, इस पर आपको कंसेप्ट और समझ बनाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पृथ्वी पर आपका वेट कुछ है और चाँद पर चले गए तब आपका वेट क्या होगा, जैसे पेंडुलम से आपका एक चींटी को लटका दिया गया है और एक पेंडुलम से एक हाथी को लटका दिया गया है तो टाइम पीरियड में क्या अंतर आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसी तरह ग्रेविटेशन, इससे भी आपको ग्रेविटी से रिलेटेड सारा चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ उसके बाद हीट है, हीट से सुपरफिशियल चीज़ जानने की ज़रूरत है, हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस चीज़ को आपको जानना है। टेम्परेचर का जो कन्वर्जन होता है, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है, जैसे सेल्सियस डिग्री पर है, फॉरेनहाइट पर है, केल्विन पर है, या फिर इस सारे यूनिट को इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से विगत वर्षों में BPSC में देखने को मिल जाता है। इस पर भी आपको समझ बनाने की ज़रूरत है और इसका प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ टॉपिक्स है दोस्तों जिसमें फिजिक्स में मेरे समझ से सभी पोर्शन इम्पॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे संबंधित आपको कंसेप्ट बनाकर पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये जनरल साइंस के दो टॉपिक्स के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।